तो आज है छोटी दीपावली गाइस, और आज ही दिन सैटरडे है, तो मैं गई थी पूजा करने माता अपनी कुल माता के मंदिर। तो कर लीजिए हमारे कुल माता के दर्शन। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि ये आज ही का वीडियो है। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा, तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो आज है दिन सैटरडे और आज है छोटी दीपावली। तो सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके घर में खुशियाँ लाए, सबके घर में वैभव धन लक्ष्मी और रोग दोष दे, कलेश सब दूर करे, सुख शांति सबके घर में हो। और बस यही माता रानी से कृपा करती हूँ, प्रेयर करती हूँ मैं। और अभी मैं अपनी कुल माता के दर्शन करके आ गई हूँ और मैं बताऊँगा इसकी पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है, पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है। ये लक्के पापा आए हैं, ये सब वो यहीं टांगते हैं, मटर का कट्टा है, ओ उसमें मटर नहीं है, उसमें मेरे ही सामान है, वो मैंने रख दी है। तो मंदिर की आज क्लीनिंग करनी है मुझे, वो पूरे घर की क्लीनिंग हो गई, मंदिर की क्लीनिंग नहीं हुई है, तो वो मैं ही करूँगी क्लीनिंग। तो जब तक मैं दो बार सिर नहीं धो लेती हूँ तब तक मैं नहीं मतलब पूजा करती हूँ। तो आज मैं सैटरडे को आज ही पूजा करूँगी, क्योंकि थर्सडे पड़ गया और एकादशी पड़ गई, फिर दिन मतलब उस पर कल मैं सिर नहीं धो पाई थी अपना, तो फिर मैं आज ही पूजा करूँगी। और मैं आज बता दूँ आपको कि आज मार्केट जाने के लिए भी हो रहा है, और ये वाली ग्रीन वाली साड़ी पहन ली है मैंने, और लक्सुरभि से मैं बोल रही हूँ कि तुम लोग नहा लो। तो कुल माता की पूजा करके तो आ गई। सबसे पहले मेरी लगन लग रही थी गई कि सबसे पहले मैं कुल माता की पूजा करके आऊँ, अपनी माता की पूजा करके आऊँ, क्योंकि अंदर से लग रहा था कि मंदिर की अब शांति से क्लीनिंग करूँगी, पूरे मंदिर की, पार्लर की भी और यहाँ की भी। पहले बनाऊँगी कुल माता के लिए मतलब पराठा निकालूंगी, वो गैस पे ही लगाऊंगी, क्योंकि अभी क्लीनिंग करूंगी, उसके बाद पूजा निलाऊंगी ठाकुर जी को। और मैं बता दूंगा इसकी, अभी मेरी पीतम्बर ही नहीं आ पाई है, पीतम्बरा बोलते हैं ना, वो नहीं आ पाई है, तो वो मुझे मंगानी है, मुझे मंगाने की आज मार्केट जा रही हूँ। मैं इनसे कह रही हूँ तुम लोग ले आओ ना जाके, मेरे को सम ले आओ जाके, तुम बा चले जाओ। तो मैं इनसे बोल रही हूँ बच्चों से, तो सब कुछ ऐसा होता है गाइस कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो चलिए गाइस, अब मैं सब फटाफट तो पहले आटा लाऊंगी, गौ माता की निकालूंगी, उसके बाद फिर मैं लक्की डैडू के लिए भी चार पांच पराठे बना दूंगी, क्योंकि वो अपना लंच भी संग ही संग ले जाते हैं। तो चलिए राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि यहाँ पे मैंने ना साड़ी को मतलब चेंज कर लिया था, गाउन डाल लिया था, और मैंने ब्लाउज़ में पहनी हुई हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है, और अभी मुझे खाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद मंदिर की सफाई करूँगी, पूरी क्लीनिंग करूँगी, पार्लर के मंदिर की भी, और यहाँ के मतलब किचन में भी मंदिर है और कमरे में भी मंदिर है, तो मैं तीनों मंदिरों की सफाई करूँगी और उसके बाद फिर मैं मार्केट जाऊँगी गाइज। तो काम तो आज मेरे गाइस, ये देखो माँ की करामात कैसे साफ कर रही है, उस लैब पर बैठ के मम्मा को साफ कर रही है। आज की औलाद माँ से क्या कह रही, करामात करामात है और क्या, तुम लोग नहीं कर सकते हो तो माँ की हेल्प करनी चाहिए, काम करने में तो करते नहीं है, ऐसे थोड़ी गाइस काम नहीं करवाते जरा भी दीपावली का, अच्छा काम करो। गाइस माँ कर रही है पूजा, क्योंकि आज है छोटी दीपावली, और जो सकते हो आज पूरा मंदिर किचन में है। आज किचन में गाइस आज है ना मंदिर की सफाई कर दी, पूरी मंदिर की, मंदिर की सफाई और, कर दी, और उसमें पेंट करनी है, कहने लगे पापा तो देखो को दिखाता हूँ, जो हमारा पहला वाला है इस पे माना भी, लेकिन सामान रख रखा है नीचे का, तो ये वाइट कलर का पेंट हो रहा है, ये वाइट कलर का, ऐसे हमने ये डिब्बा तो मंगा लिया है, हीरा वाइट कलर का हुआ नहीं है, इस वजह से माँ ने भवानी साड़ी इधर रख दी है।
और इसके बाद गाइज मैं आ गई थी पार्लर में, और पार्लर के मंदिर की भी सफाई कर दी थी, और ऊपर जो राधा कृष्ण भगवान रखे हैं ना, राधा कृष्ण भगवान, उनकी भी मैंने पूरी खोल के साफ की थी। वैसे मैंने जब पार्लर अभी तो साफ किया था इनको, अरे नीचे वो कुछ वो तो गाइस यहाँ हमारे कृष्णा जी निकल चुके हैं, बहुत क्यूट हैं। इनके ये सारे आगरा जाएंगे तब उनका पूरा सही करवा के आएंगे, जब ये जाएंगे तब सही होंगे, सही तो हैं वो, एकदम फिट हैं। उनके कपड़े पुराने हो गए, देखो गाइस बहुत पुराने कपड़े हो गए, बुआ का आई है ना, बुआ की शादी है, 17 साल हो गए इनको यहाँ आए हुए, 17 साल। ये देखो इनका पूरा मेकओवर करवाएंगे गाइस, अब पूरा मेकओवर अच्छी तरीके से, इनका पेंट फेंट सब, जब आप चाहोगे ना तभी हो पाएगा, जब ये चाहेंगे तब होगा। तो आगे जाएंगे, कितने क्यूट हैं, अच्छी तरह से साफ कर दिए, ऐसे दिखा दो उनको बस। और यहाँ पे गाइज हमने ना ठाकुर जी की भी पोशाक ली थी, पहले भी ले ली थी, अब भी ले ली थी, और सर्दियों के ना स्वेटर वगैरह ले ली थे ठाकुर जी के। और यहाँ पे हम लोग मूर्ति देख रहे थे, लेकिन मूर्ति तो लव के पापा लेके आएंगे, अच्छा लग रहा है कमल वाला दीपक। क्या चीज अपने मंदिर के लिए, मंदिर के लिए। तो यहाँ पे गाइस मार्केट से आने के बाद में लपसुर भी तो चले गए थे रीको, और मैंने कुछ अपने कपड़े वगैरह नला गए थे तो वो मैंने धो दिए थे, और अब हो रहा था एकदम 6:30-7 का टाइम हो रहा था। और यहाँ पे छोटी दीपावली है, तो गाइस हमारे यहाँ शाम को चौमुख दीवला रखा जाता है, मतलब दीपक रखा जाता है, वो मैंने रख दिया था बाहर, सबके यहाँ रखे जाते हैं। और इसके बाद मैंने बना दी थी गाजर आलू की सब्जी, और यहाँ पर डिनर हमारा तैयार है, तो आ जाइए गाइस आप भी खा लीजिए। सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, लक्ष्मी माँ सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पे हमारी बन गई है बढ़िया यमी सब्जी, और खाना सबने खा लिया है। जय हिंद साथियों, जय श्री राम। हाँ गाइस एक बात और कहना चाहती हूँ कि कौन कौन लक्ष्मी माँ का व्रत रखते हैं, अगर जो लोग रखते हैं वो तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं रखते हैं तो वो लोग अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माँ का व्रत नॉर्मली जैसे हम लोग व्रत रखते हैं वैसे ही रखते हैं, और लक्ष्मी माँ की पूजन के बाद खाना खा लेते हैं। तो मैं तो रखती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, क्योंकि लक्ष्मी माँ का व्रत रखना अच्छा होता है। तो मिलेंगे कल आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।